हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पर मैं लेट नाइट अपना डिनर तो वैसे मैंने कर लिया था, लेकिन हाँ लेट नाइट के लिए मैंने थोड़ा सा लेफ्ट ओवर बचा के रखा था। तो साथ में मैंने साइड पे थोड़ी सी फ़िश ली और फिर उसके बाद जो था मेरा कुछ मीठा ठंडा सा चॉकलेटी खाने को दिल चाह रहा था, तो आई हैड दिस आइसक्रीम। वैसे तो अपनी जो स्वीट वाली क्रेविंग है उस पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि थोड़ा कंट्रोल करूँ, बट एक आइसक्रीम से क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरा कुछ चॉकलेटी चॉकलेटी और ठंडा सा खाने को दिल चाह रहा था, तो आई फुलफिल माई क्रेविंग विद दैट चॉकलेट आइसक्रीम। और फिर उसके बाद जो था आई डिड वॉक। वॉक तो मुझे करनी होती है, और वॉक और वर्कआउट के बगैर आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ना सोऊँ। तो यहाँ पर अपनी वॉक ख़त्म करने के बाद जो था नाउ इट वाज टाइम फॉर अ वर्कआउट। तो यहाँ मैंने अपना वर्कआउट ख़त्म किया, और वर्कआउट और वॉक ख़त्म करने के 15-20 मिनट तक फिर मैं कितना रिड्यूस किया है, हाउ मच आई एम रिड्यूसिंग। तो यहाँ पर एज़ यूजुअली मैं अपना देख रही थी कि ड्रेस मटेरियल कितना लूज़ हुआ है। वैसे ये ड्रेस मटेरियल काफ़ी लूज़ हो गया, इट्स अ गुड थिंग कि मुझे काफ़ी लूज़ हो गया। पहले तो थोड़ा फिटिंग में था, बट अब मुझे बहुत ही लूज़ हो रहा है। और वर्कआउट करने के बाद माय फेवरेट थिंग टू डू कि मैं चेक करती हूँ कि मेरे ड्रेसेस मुझे कितने लूज़ हो रहे हैं। और यहाँ मैंने अपने लिए दो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ली थी। थोड़ी सी शॉपिंग क्या, बस ये हैंड फ्री ली थी अपने लिए, दो हैंड फ्रीज ली थी मैंने, क्योंकि एक 2-3 महीने में ख़राब हो जाती है। तो दूसरी मैंने कहा कि चलो रेडी पड़ी हो, तो क्योंकि मुझे वॉइस ओवर भी करना होता है और मैं मोबाइल में एक हैंड फ्री लगा के रखती हूँ तभी मुझे ठीक से सुनाई देता है, और वॉइस ओवर भी करना होता है, तो इसीलिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। और फिर उसके बाद जो था मुझे अपना ये रिव्यू देना था हेयर ट्रीटमेंट और स्कैल्प हेयर ग्रोथ के लिए। ये हेयर ऑयल है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैंने ये सोचा था जब ये मेरी बोतल ख़त्म हो जाएगी, डब्बा खाली हो जाएगा, तब मैं अपने हेयर चेक करने के बाद इस पर अपना कंप्लीट रिव्यू दूंगी। तो इट्स अ वेरी गुड हेयर ग्रो ऑयल। अगर तो आपको हेयर फॉल का मसला, आपका हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं हो रहा, आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप ये वाला हेयर ऑयल ज़रूर यूज़ करें। और इसका ये कि आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करवा सकते हैं, और इसका नाम हेयर एंड स्कैल्प ट्रीटमेंट हेयर ग्रो ऑयल के नाम से है, और इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर करवाया जा सकता है। और इसको ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज हेयर फॉल के लिए मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, मैं दूसरा भी अपने लिए ऑर्डर करवाऊंगी। और फिर उसके बाद जो था डिनर का टाइम था, नेक्स्ट डे का व्लॉग था। तो यहाँ पर डिनर में जो था आज चाइनीज़ बना था, बिकॉज़ थोड़ा डिफरेंट, कभी कभी कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए। तो चाइनीज़ वैसे ज़्यादातर बाहर का शौक से खाते हैं, बट घर पे भी एक बहुत मज़े का बना था। और फिर उसके बाद जो था मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना के पी, इलायची वाली ग्रीन टी आजकल मैं इतनी ज़्यादा नहीं ले रही, बहुत कम पी रही हूँ, बट आई थॉट कि चलो भाई ग्रीन टी पी लेनी चाहिए। और ज़्यादा से अगर आप पानी भी ज़्यादा पीते हैं तो इट्स अ गुड थिंग, बेशक आप ग्रीन टी ना पिए, क्योंकि पानी भी वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा है, बट ग्रीन टी भी मस्ट एक कप तो लें। फिर उसके बाद जो था लेट नाइट मुझे भूख लगी थी, तो थोड़े से जो मेरी लेफ्ट ओवर चाइनीज़ राइस बचे थे मैंने वो खाए, साथ में मैंने आधा कप जो थी वो चाय ले ली। तो दिस इज़ हाउ आई एम फुलफिलिंग माई क्रेविंग विद घर का खाना। और फिर उसके बाद जो था नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया, अपने छोटे छोटे व्लॉग बना रही थी जितने भी मुझसे दिन में बन रहे थे थ्रू आउट द डे। तो मैं सुबह उठी, आई वॉज फीलिंग एक्टिव, तो बस फिर दिन के टाइम से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया, अपना फेस वॉश किया और मॉइस्चराइज़र, क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है तो मॉइस्चराइज़र को स्किप ना करें, क्योंकि अब स्किन ऑयली नहीं, ड्राई होने के दिन आ गए हैं, और यहाँ पर बॉडी ड्यूरेंट तो मस्ट है, लाजमी है। और बस ये मेरा सिंपल सा मॉर्निंग स्किन केयर है, ये हो गया। और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट में जो था मैं ले रही थी ये बॉयल एग्स, और साथ में मैं ले रही थी ब्लैक कॉफ़ी। तो हेयर आई चेंज माय ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी डाइट करूँ, चाय को स्किप करूँ। सो लेट्स सी कि मेरी ये डाइट कहाँ तक पहुँचती है। सो दैट वॉज अ डे इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आई इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।